अगर आप इंडियन फुटबॉल के फ़ैन हैं, अगर आप कैप्टन सुनील छेत्री के फ़ैन हैं, तो मई 16 का दिन आप सभी के लिए मिक्स्ड इमोशंस वाला रहा होगा। आंखें थोड़ी नम ज़रूर हुई होगी क्योंकि इंडियन फुटबॉल का सबसे बड़ा सितारा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स को अलविदा कहने जा रहा है। जी हाँ, सुनील छेत्री अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट एक सोशल मीडिया वीडियो के जरिए करते हैं। 6 जून को नीले जर्सी में वे आखिरी बार दिखेंगे प्लेइंग अगेंस्ट कुवैत इन अ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच। इस वीडियो को बनाने के पीछे कुछ ज़रूरी रीजंस है। पहला तो ये कि इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन सुनील छेत्री वर्ल्ड के लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर है और अब वे रिटायर होने जा रहे हैं। दूसरा, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के नज़रिए से भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि उन्होंने अपने बचपन का ज़्यादातर समय दार्जिलिंग और सिक्किम में बिताया है। एक और रीज़न ये भी है कि इंटायर बंगाल और सिक्किम के लिए फुटबॉल एक इम्पॉर्टेंट गेम है और इस रीजन में कई फुटबॉलर्स पैदा हुए हैं। सुनील छेत्री अपने आखिरी मैच कोलकाता के आइकॉनिक सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेलेंगे और ये मोमेंट काफ़ी इमोशनल होने वाली है। अगर आप एक सच्चे फ़ैन हैं तो थोड़ा बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप गर्व करेंगे इस खिलाड़ी पर। सुनील छेत्री का इंडियन फुटबॉल के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। इंडिया एक ऐसा देश जहाँ क्रिकेट को एक धर्म माना जाता है और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। किसी एक खेल को इतना बड़ा स्थान और सम्मान देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी दूसरे स्पोर्ट से उसकी रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी छीन लेना भी सही नहीं है। यहाँ की चलती गाड़ियों में अक्सर दूसरे देशों की फुटबॉल टीम के फ्लैग्स लगे दिखाई देते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप के नज़दीक आते ही दुकानों में दूसरे देशों की जर्सी बिकती दिखाई देती है। ज़रा ये सोचिए कि हमारे अपने देश के फुटबॉल प्लेयर्स को ये नज़ारा, ये क्रेजीनेस देखकर कैसा महसूस होता होगा। हमारे अपने लेजेंड सुनील छेत्री को भी कितना अच्छा लगता अगर इंडियन फुटबॉल टीम की जर्सी और हमारे टीम के फ्लैग्स भी हमारे देश में इतने पॉपुलर होते। जहां इंडिया में फुटबॉल को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, अगर फुटबॉल फैंस है भी तो वो फीफा वर्ल्ड कप, यूरो कप, कोपा अमेरिका और अन्य प्रीमियर लीग्स के फ़ैन हैं। ऐसे देश में सुनील छेत्री नाम का एक ऐसा सितारा उभरा जो थर्ड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर्स बन जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। सुनील छेत्री ने अपने देश के लिए खेलते हुए 94 इंटरनेशनल गोल दागे हैं और वे वर्ल्ड के तीसरे रैंक पर अपने करियर को ख़त्म करने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम ऑल टाइम हाईएस्ट इंटरनेशनल गोल स्कोरर्स की लिस्ट भी देखें तो वे चौथे नंबर पर है। दूसरी बात ये भी है कि कभी कभी उन्हें ये कहकर भी ट्रोल किया जाता है कि ये कंपैरिजंस बेसलेस है, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 पर रहे पोर्चुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी टफ ओपोनेंट्स है और इन दोनों महान प्लेयर्स के साथ छेत्री की तुलना नहीं की जा सकती। इस डिबेट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, द कॉर्ड के इस स्पेशल ट्रिब्यूट एपिसोड सुनील छेत्री द ग्रेटेस्ट फुटबॉल आइकन में आप सभी का स्वागत है। जरा इस वीडियो को देखिए। टू एवरीवन हु इज नॉट अ फुटबॉल फैन, प्लीज कम एंड वॉच अस। टू रीजंस, नंबर 1, इट्स द बेस्ट गेम इन द वर्ल्ड, एंड नंबर 2, वी प्ले फॉर आवर कंट्री। वी विल मेक श्योर दैट वंस यू कम टू वॉच अस यू विल नॉट गो द सेम पर्सन बैक होम। ये वीडियो साल 2018 की है। इंडिया ने चाइनीज ताइपे को 5-0 से हराया था ऑन द फर्स्ट मैच ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल कप, जिसमें छेत्री ने हैट्रिक स्कोर किया था। स्टेडियम का अटेंडेंस को देखकर छेत्री निराश थे। द बेस्ट प्लेयर इन द कंट्री, द कैप्टन ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम, फैंस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें उनके मैच को आकर देखें और उन्हें सपोर्ट करें। अगर वे अच्छा नहीं खेले तो भले ही उन्हें गाली दे, लेकिन मैच देखने आए। एक ऐसा प्लेयर जो उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं जितना शायद MS धोनी या फिर विराट कोहली को मिलता है। ऐसे प्लेयर ओपनली पब्लिक सपोर्ट की रिक्वेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं और हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑन द फील्ड तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ऑफ द फील्ड भी उन्होंने ऐसे कई कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं ताकि इस कंट्री में फुटबॉल भी एक स्पोर्ट ऑफ सब्सटेंस बन सके। और नतीजा क्या निकला, हैव अ लुक एट दिस। ये दो वीडियो क्लिप्स में जो डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं उससे ये तो साफ है कि देश के कैप्टन की रिक्वेस्ट की हार्डकोर फुटबॉल फैंस ने सम्मान की। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि सुनील छेत्री और भारतीय फुटबॉल टीम ने इंडियन फैंस को निराश नहीं किया।
उसे समझने के लिए लेट्स गो थ्रू द स्टैट्स। इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री देखें तो इंडिया ने हाईएस्ट रैंक 94 अचीव किया था, जो साल 1996 में की गई थी। उसके बाद इंडिया की रैंकिंग 100 के पार ही रहा है, लेकिन इंडिया ने 2017 और 2018 में सेकंड बेस्ट रैंकिंग्स अचीव की है, जो रहा है 96। इस दौरान भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन और कोई नहीं बल्कि सुनील छेत्री ही थे। छेत्री ने 2012 में कैप्टनशिप संभाली और इसी साल के अंत में इंडिया की रैंकिंग 166 रही थी। अगर आप ये 166 से लेकर 96 तक का सफ़र देखेंगे तो पता चलता है व्हाट हैज़ बिन हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द गेम। अगर हम करंट रैंकिंग की बात करें तो इंडिया इज़ प्लेस्ड एट 121। रैंकिंग्स में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को भले ही मिलती हो, मगर जिस तरीके के हालात इंडियन फुटबॉल टीम की रही है, ऐसे में अपनी टीम को 2 साल लगातार अंडर 100 की रैंकिंग में लाना छेत्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। जैसे कि हमने बताया, रोनाल्डो और मेसी के बाद छेत्री तीसरे हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर्स है, तो ये जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए वे ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर है। और ये लेजेंड स्कोरर 6 जून को रिटायर होने जा रहे हैं एज द मोस्ट कैप प्लेयर फॉर इंडिया। जी हाँ, छेत्री, जिन्होंने इंडिया के लिए 2005 में सीनियर इंडियन फुटबॉल टीम में पाकिस्तान के अगेंस्ट डेब्यू किया, वे अब तक के इंडिया जर्सी में 150 मैचेस खेल चुके हैं। इंडियन टीम ने 2007, 2009 और 2012 में नेहरू कप जीता और छेत्री इन तीनों मैच का हिस्सा रहे हैं। 2011 में इंडिया ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप भी जीता, जिसके वे हिस्सा रहे। साल 2012 में कैप्टनशिप संभालने के बाद 2015, 21 और 23 में भी इंडियन टीम ने सैफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। भाईचुंग भूटिया की कैप्टनशिप में जिस इंडियन टीम ने 2008 AFC चैलेंज कप जीता था, उसके भी वे हिस्सा रहे। और इसी विक्ट्री की वजह से इंडियन टीम को 27 सालों बाद AFC एशियन कप के लिए क्वालिफाई होने का मौका मिला। फाइनल टूर्नामेंट जब 2011 में हुआ तो छेत्री ने 2 गोल भी दागे। सुनील छेत्री 7 बार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीत चुके हैं, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। इंडिया के लिए फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाना आज भी एक अधूरा सपना है। लोग कई सालों से इंतज़ार कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सपना ज़रूर पूरा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन ने सुनील छेत्री के टैलेंट और डेडिकेशन को नज़रअंदाज किया हो। जब अपने ही देश के लोग इस नेशनल हीरो के कारनामों से बेखबर थे, तब फीफा ने छेत्री की बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री सीरीज रिलीज़ की थी विद द टाइटल कैप्टन फैंटास्टिक। फीफा प्लस प्लेटफॉर्म में स्ट्रीम की गई इस सीरीज़ के 3 एपिसोड्स हैं, जिसे किक ऑफ, मिड गेम और एक्स्ट्रा टाइम का टाइटल दिया गया। फीफा अपने पोस्ट में लिखते हैं कि रोनाल्डो और मेसी को तो सब जानते हैं, आइए अब जानते हैं थर्ड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर को। हो सकता है यूरोपियन और अमेरिकन फुटबॉल फैंस सुनील छेत्री का नाम ना जानते हो, मगर एज एन इंडियन हमें सुनील छेत्री के बारे में जानना ज़रूरी है। उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, डेडिकेशन और स्पोर्ट्स के प्रति उनके पैशन को समझना ज़रूरी है, ताकि हमारे देश भारत को भी एक ट्रू सेंस स्पोर्टिंग कल्चर के लिए दुनिया भर में जाना जा सके। ही वॉज बॉर्न टू बिकम अ लेजेंड, ऐसा आइगर स्टिमैक कहते हैं, जो इंडियन टीम के हेड कोच है। स्टिमैक का ये भी कहना है कि आई जस्ट विश वी ऑल डू एवरीथिंग टू मेक जून 6 वेरी मेमोरेबल फॉर हिम एंड ऑल इंडियन फुटबॉल फैंस। ही बिकेम अ लेजेंड व्हाइल स्टिल प्लेइंग एंड दैट्स समथिंग ओनली फ्यू कैन डू। इंडियन क्रिकेट स्टार विराट कोहली, जो कि छेत्री के फैन और अच्छे दोस्त भी है, वो छेत्री के रिटायरमेंट पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए ये लिखते हैं, एक आइकन दूसरे आइकन की जर्नी को अप्रिशिएट करे, इससे बड़ी बात एक डाई हार्ड स्पोर्ट्स फैन के लिए और क्या हो सकती है। छेत्री के रिटायरमेंट पर फॉर्मर कैप्टन शमुगम वेंकटेश कहते हैं, आई हैड द फॉर्चून ऑफ हैविंग हिज कंपनी एज अ कैप्टन, टीममेट एंड देन एज अ कोच। प्लेयर्स लाइक हिम बिकम अ नेसेसिटी फॉर द टीम फॉर पोजेसिंग दैट इवैल्यूएटिव माइंड दैट मोस्ट ऑफ द अदर्स इन द टीम लैक। ये सारे वो रिस्पेक्ट है जो सुनील छेत्री ने अपने 19 साल के इंटरनेशनल करियर में कमाई है, विच एवरी इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ। इंडियन फुटबॉल, इंडियन प्लेयर्स या फिर कैप्टन सुनील छेत्री को अभी जो प्यार और सम्मान मिल रहा है, क्या उस सम्मान को देने में हमने थोड़ी देर कर दी?
ये एक सवाल ऐसा है जो इंडियंस को हमेशा ही खटकती रहेगी। क्रिकेट टीम का आधा भी सपोर्ट यदि फुटबॉल टीम को मिला होता तो इंडियन फुटबॉल की पोजीशन आज बेटर हो सकती थी। इस टॉपिक पर डिबेट की जा सकती है। खैर, हम इस डिबेट को आप पर ही छोड़ते हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर कीजिए। हमें आपके ओपिनियंस का इंतज़ार रहेगा। सुनील छेत्री की अगर पर्सनल लाइफ को देखें तो 3 अगस्त 1984 को उनका जन्म सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो अभी तेलंगाना में है। उनके पिता केबी छेत्री इंडियन आर्मी में थे। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि छेत्री के पिता और माँ सुशीला छेत्री दोनों ही फुटबॉलर्स रहे हैं। पिता इंडियन आर्मी फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करते थे और माँ अपनी जुड़वा बहन के साथ नेपाल वुमेन्स इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। सुनील छेत्री की मदर टंग नेपाली है और उनका ज़्यादातर बचपन दार्जिलिंग और सिक्किम में बीता। छेत्री ने अपनी स्कूलिंग सिक्किम से और ग्रेजुएशन कोलकाता से कंप्लीट की है। साल 2017 में सुनील छेत्री ने सोनम भट्टाचार्य से शादी की, जो खुद एक फॉर्मर फुटबॉलर सुब्रता भट्टाचार्य की बेटी है। सुनील छेत्री 39 साल की उम्र में रिटायर होने जा रहे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ही हैज़ बिन वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बेसडर्स ऑफ फुटबॉल। 39 की उम्र में भी वो टॉप फॉर्म में रहना उनका हार्डवर्क, पैशन और डेडिकेशन को दर्शाता है। और अब उसी के साथ आते हैं उस डिबेट पर जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। क्या सुनील छेत्री की तुलना रोनाल्डो या मेसी जैसे प्लेयर के साथ की जा सकती है? हम ये मानते हैं कि इंडियन फुटबॉल उस लेवल पर नहीं है जहां पर यूरोपियन या फिर अमेरिकन टीम्स हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इस खिलाड़ी ने उस टीम को अपने कंधे पर उठाकर 3rd highest एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर की रैंक हासिल की है, जिस टीम का रैंक ज़्यादातर 100 के नीचे ही रहा है। एंड दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। ट्रोल करने वाले कुछ भी कहे, लेकिन उन्होंने इंडियन फुटबॉल के लिए जो किया है उसके लिए ही डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट। इस डिबेट पर आपका क्या मानना है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि योर ओपिनियन मैटर्स। पूरे देश के साथ द कॉर्ड की टीम सुनील छेत्री का शुक्रिया अदा करती है, विशिंग आर कैप्टन फैंटास्टिक जर्सी नंबर 11 अ हैप्पी रिटायरमेंट। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर सुनील छेत्री के साथ जुड़ी आपकी कोई मेमोरी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को हर एक फुटबॉल फैन तक पहुँचाने के लिए इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।